डिंडोरी में मां शारदा की टेकरी मंदिर के गेट में स्थित हनुमान प्रतिमा के अपमान का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर से मांग की है कि आरोपियों के घर जमींदोज कर दिए जाए, जिसके बाद इस मामले में शामिल एक आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई कर उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। मां शारदा टेकरी मंदिर के गेट में स्थित हनुमान प्रतिमा के अपमान का मामला सामने आने के बाद लगातार हिंदू संगठनों के द्वारा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एनएसए लगाने सहित आरोपियों के मकान को जमींदोज करने की मांग जिला प्रशासन से की जा रही थी, जिसके लिए हिंदू संगठनों ने लगातार चरणबद्ध आंदोलन किया। इसी कड़ी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कलेक्टर विकास मिश्रा से चर्चा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर के मौजूद न होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट के दोनों गेट पर ताला लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर प्रदर्शन किया और साथ ही हिंदूवादी संगठनों ने आसपास के दुकानों को बंद कराकर नेशनल हाईवे जाम करते हुए कलेक्टर को बुलाने की मांग की। कलेक्टर विकास मिश्रा के आने के बाद ही ये मामला शांत हुआ। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कलेक्टर विकास मिश्रा के साथ बैठक के बाद ये निर्णय हुआ है कि आरोपियों के मकानों को जमींदोज किया जाएगा। वहीं अब इस मामले में शामिल एक आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई कर उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। हमको शाहपुरा में इसी जगह पे कलेक्टर साहब ने फोन में आश्वासन दिया था कि दो दिन के अंदर एनएसए की कार्रवाई कर देंगे हम। उन्होंने नहीं किया तो हम लोग डिंडोरी कलेक्ट्रेट का घेराव किए, वहां पे वो किन्हीं कारणों बस बाहर थे। उन्होंने फिर से फोन में आश्वासन दिया कि हम 30 तारीख को शाहपुरा में आकर सभी के सामने इसका निर्णय कर देंगे। आज ना आने के कारण मेरी दूरभाष से 4 बार उनसे बात हुई, मगर वो शाहपुरा आने को तैयार नहीं है, इसलिए दोबारा हम नेशनल हाईवे जाम किए हैं। वही आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग पर चर्चा के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से भाजपा जिला अध्यक्ष अवध राज बिलैया पर अभद्रता करते हुए उन पर लाठीचार्ज करवाने की बात कहने के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही जिला महामंत्री व शहपुरा मंडल अध्यक्ष पर हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। भाजपा के तीनों नेताओं से नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन के दौरान इन तीनों नेताओं का पुतला फूंका और तत्काल पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। वहीं इन आरोपों को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष अवध राज बिलैया ने कहा कि हिंदू संगठनों का ये आरोप बिल्कुल भी बेबुनियाद है, यदि किसी के पास सबूत है तो लाएं, नहीं है तो ऐसे बेबुनियाद आरोप ना लगाएं। इस मामले में दोषियों के घर तोड़ दिए गए हैं, आगे भी उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मेरा ये कहना है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं और हमारे पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लगे हैं, ये बिल्कुल हास्यास्पद घटना है। जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन हमारे मीडिया के बंधु भी वहां उपस्थित थे और पूरे सामूहिक बहुत सारे लोग और जो उस दिन आंदोलन कर रहे थे वो लोग भी वहां उपस्थित थे। यदि मैं किसी के सामने यदि यह कथन कहा हूं तो वहां वीडियो बने हैं और यदि कोई इस तरह का प्रमाण लाता है तो इस घटना इस कथन के लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। देखिए साहब, इससे पहले जब जिला अध्यक्ष बने हुए थे हमारे अवध राज बिलैया जी, तो उनको बड़ी उम्मीद के साथ हमने जिला अध्यक्ष का स्वागत किया था कि हम लोगों के हिंदुत्व के लिए कुछ करेंगे। और जब हम डिंडोरी गए तो हमें बड़ी निराशा हुई। सभी हिंदूवादियों को उन्होंने अपशब्दों का उपयोग किया और साथ देने की बजाय उल्टा लाठीचार्ज की धमकी दी, तो उससे सभी हिंदू संगठन नाराज हुए। और मैं सभी हिंदू संगठन की ओर से यह बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन अवध राज बिलैया जिला अध्यक्ष शहपुरा आएंगे, हम उसका घोर विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।